सभी को नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का केंद्रीय विद्यालय गुना में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ईश्वर करे आपके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्कशॉप में प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए आप उस वर्कशॉप के उस उद्देश्य तक पहुँचे और उस उद्देश्य का अगर क्षण मात्र भी आप साथ में लेके, क्योंकि सारे विद्वान जन हैं और क्षण नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पूरा का पूरा जो सीख का समंदर है यहाँ से लेकर के अपने विद्यालय में जो वहाँ के प्राथमिक विभाग के जो बच्चे हैं उनको आप सारे के सारे ये सीख और सारे अपने अनुभव की बारीकियाँ उन बच्चों तक पहुँचाएंगे। साथियों, मुझे गर्व है कि मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन इतने विशाल परिवार का आप जैसा ही एक सदस्य हूँ। पिछले 10 सालों से इस संगठन का सदस्य होने का गौरव अनुभव कर रहा हूँ और व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो ये कोई भाषण नहीं, ये कोई चीज नहीं, ये सिर्फ जो हमारे बीच में पूर्व का अनुभव 43 साल का जो विशाल अनुभव केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ है उस अनुभव की कुछ धीरे हम लोगों के साथ है और आज जो युवा ऊर्जा हम लोगों के साथ है इन दोनों के मेल से उत्पन्न जो निर्णय है, अगर उन निर्णयों को हम प्राथमिक लेवल में अगर हम अपने बच्चों को एक पुस्तकालय के माध्यम से अगर दे दें तो हम उस उद्देश्य की प्राप्ति में एक कदम आगे और बढ़ सकते। मेरी ये कोशिश है कि जो उद्देश्य पुस्तकालय विज्ञान के पिता और जनक भारत के लिए कहा जाता है, मैं चाहूंगा एक बार उनके सम्मान में दोटा तालियां डॉक्टर श्याली रामानुजा रंगनाथन मैं नमन करता हूँ। इनको आज इनके कारण बुद्धिजीवियों का वर्ग है जिसके कारण पुस्तकालय विज्ञान की एक पहचान है वो आज फलीभूत भारत में हो रहा है। सिर्फ केवल और केवल डॉक्टर श्याली रामानुजा रंगनाथन की देन है। मैं एक चीज और, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है मैं इससे हट जाऊं थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, ऐसे ही बात कर सकता हूँ। मेरा देखिए साथियों, जहां तक केंद्रीय विद्यालय संगठन में पुस्तकालय की बात है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने 47 सालों से दिन ब दिन नई नीतियों, नए विचारों, नए अनुभवों को समाहित करते हुए नित नई नवीन विचारधाराओं का निर्माण कर रहा है और उसी निर्माण में सन 2004 से नई पुस्तकालय नीति और अभी जो नेट पर आई हुई है नई पुस्तकालय नीति आज उन नवीन विचारों का ही परिणाम है कि वहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग मंथन करता है उस मंथन की गुंजें हम तक आती हैं और उनको हम यहाँ जिस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप उनको हम जब लागू करते हैं तो हमारी जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में ज्ञान विज्ञान और ये सारी की सारी चीजें उनके अंदर आए। आज का जो मुख्य उद्देश्य है जैसा मैडम शर्मा ने, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्राचार्य महोदय का कि आज आप लोगों के सामने मेरे विचार रखने का समय मुझे मौका दिया। ये मौका है सिर्फ इन 10 सालों के अनुभव में मैंने जो एक चीज देखी कि अगर हम पुस्तकालय कालांश का जो प्राथमिक विभाग में जो चला रहे हैं अगर छोटी छोटी सी चीजों में हम थोड़ा सा कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ 6th और 7th और 8th क्लास में छोटे छोटे सुधार किए जिनके कारण मुझे ये लग रहा है कि बच्चों में थोड़ी थोड़ी रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई। ये मेरे खुद के स्व अनुभव है जो आज आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। एक मुझे याद आता है प्रोफेसर रिचर्ड आर डे, ये विद्वान है अंग्रेजी के, इन्होंने एक ओपी वैष्णव कॉलेज में टीचिंग एंड लर्निंग मेथड के ऊपर एक सेमिनार आयोजित किया गया और उस सेमिनार में इन्होंने जो बात कही वो इस रीडिंग हैबिट को लेकर कही गई थी और वो आपके और हमारे सभी के जीवन में है। उन्होंने कहा कि रीडिंग इज अ हैबिट टू बी डेवलप्ड बाय वनसेल्फ, रीडिंग इज अ हैबिट टू बी डेवलप्ड बाय वनसेल्फ एंड इट कैन नॉट बी टॉट बाय द टीचर। ये टीचर्स के द्वारा प्रेशरली फोर्सली नहीं सिखाया जा सकता, ये तो स्वयं के प्रयासों के जरिए ही रीडिंग हैबिट को डेवलप किया जा सकता है। लेकिन हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में पुस्तकालय कालांश होते हैं
पुस्तकें बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाना है, ये भी सुनिश्चित है नीतियों के अनुसार, लेकिन उसमें अगर हम कुछ छोटे छोटे से सुधार यदि कर लें तो डेफिनेटली हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर जाएंगे तो केंद्रीय विद्यालय संगठन चाहता है। सबसे पहली चीज ये तो क्लियर हो गया कि टीचर रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं कर सकता, ये क्लियर है क्योंकि ये विद्वानों के द्वारा कहा हुआ है। लेकिन एक चीज है कि रीडिंग स्किल बच्चों में हम पैदा कर सकते हैं, स्किल इज अ स्किल को हम सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, हम उस स्किल का पूरा एनवायरनमेंट उन बच्चों को दे सकते हैं। अगर वो एनवायरनमेंट बच्चों को मिल गया तो डेफिनेटली वो बच्चे धीरे धीरे रीडिंग हैबिट को डेवलप कर लेंगे क्योंकि वो अंतम है। और हम हमारे यहाँ बच्चा 5 घंटे रहता है, 5 घंटे में हम उसको पूरा एनवायरनमेंट दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर ये छोटे छोटे से सुझाव हैं जो कि उन्होंने अपने थ्योरी में दिया और जब उन्होंने ये वाली चीज कही कि हम उनको सिखा नहीं सकते हैं लेकिन हम उनको एनवायरनमेंट दे सकते हैं, तो मुझे एक थियरी याद आ रही है जिसको कहा गया पेलिकन थ्योरी। पेलिकन एक पक्षी होता है जो समुद्र में मछलियों का शिकार करके अपना पेट पालता है। वह क्या एक बार काफी दिन पहले की बात है, पेलिकन अपना मछलियों को मार मार के खाते थे, अपना जीवन यापन करते थे। अब हुआ क्या कि मछलियों की जो पैदावार थी वो कहना चाहिए कम होती चली गई, लेकिन हुआ क्या कि समुद्र में जैसे जैसे जलवायु प्रदूषित हुई, जल प्रदूषित हुआ और वो मछलियों का धीरे धीरे मरना शुरू हुआ। और समुद्र का नेचर है कि जब भी वो चीज मर जाती है वो उसको पानी में बाहर के साथ में किनारे पर ले आती है। ठीक है, अब हुआ क्या, पेलिकन्स ने देखा यार ये बड़ी अच्छी चीज है, ना तो अपने को मेहनत करना, ना कहीं पर बनाना, ना समुद्र में जाना, ना कहीं झपट्टा मारना, किनारे पर उनको मछलियां मिलना शुरू हुई और उन्होंने पेलिकन्स ने वो मछलियां खाना शुरू कर दिया। इसलिए ये हुई कि एक जनरेशन थी उसने ये शुरू किया, उसकी नेक्स्ट जनरेशन है उसने भी वही स्थिति देखी, किनारों से पेलिकन्स को खाना शुरू कर दिया। तीसरी जनरेशन उनकी आई, उन्होंने भी खाना शुरू किया और जो पहली जनरेशन थी वो दुनिया से विदा हुई, यानी जो विरासत थी खत्म। अब स्थिति ये आई कि मछलियां दिन ब दिन और कम होती चली गई और उन नहरों के जरिए जो मछलियां आती थी वो आना धीरे धीरे बंद हो गया, और जैसे ही बंद हुआ तो पेलिकन का भी मरना धीरे धीरे शुरू हो गया। जैसे ही ये शुरू हुआ तो जो जियोलॉजिकल सर्वे वाले लोग हैं उन्होंने देखा कि यार ये कौन सी स्थिति है कि अब हमारी ये जो प्रजाति है धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर है, ऐसा ना हो कि ये पेलिकन पूरी तरह से खत्म हो जाए, क्यों ने इसके ऊपर स्टडी की जाए। और उन्होंने स्टडी की, उन्होंने इस स्टडी में देखा पुराने इतिहास को उठाकर कि ये पेलिकन मर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये अपना शिकार करना भूल गए। तो क्या किया जाए, सिखाया नहीं जा सकता, किसी भी पेलिकन को पकड़ के नहीं सिखाया जा सकता, इनको एनवायरमेंट देना है। ये खोज करो कि अभी पेलिकन किस समुद्र के किनारे पर है, किस किनारे पर वो पेलिकन है, उनके साथ में जहाँ के कुछ पेलिकन्स को सिलेक्ट करो यानी पकड़ो और इनको वहां ले जाके छोड़ दो और इनके ऊपर एक निशान लगाओ जिससे कि उन्हें दोबारा वहां से इधर लाए। तो जैसे ही इनको यहाँ सिलेक्ट करके छोड़ा वहां उनको निशान ले दी गई और वो धीरे धीरे जब उनको उन्होंने शिकार करते हुए देखा तो उन्होंने भी धीरे धीरे प्रयास किया, और जब धीरे धीरे प्रयास किया तो एक समय ऐसी स्थिति आई तो वो भी शिकार करना सीख गए। जैसे ही शिकार करना सीखे इन पेलिकन्स को उठाया और उनकी पूर्ण जगह पर लाकर छोड़ दिया। अब जब इनको शिकार करते हुए उस नई संस्कृति में देखा तो धीरे धीरे वो भी शिकार करना सीख गई और निष्कर्ष का ये हुआ कि जो पेलिकन्स की मरने की संख्या थी वो धीरे धीरे कम हुई। मेरे कहने का सीधा सा एक मतलब एक मैसेज फिर से बनाता है कि यदि हम अगर अपने बच्चों को खास करके ये मेरा दायित्व है और आप सबके विद्यालय में भी पुस्तकालय अध्यक्ष होंगे लाइब्रेरियन होंगे उनका भी ये दायित्व है कि ऐसा ना हो कि एक दिन हमें भी पेलिकन की तरह एक लाइब्रेरी से दूसरी लाइब्रेरी में कहीं कहीं बच्चों को ले जाना पड़े या नहीं ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है। तो इस चीज को यदि हम वक्त रहते इसको अगर हमने सोच लिया और इस तरह के CLP जो टीचिंग लर्निंग मेथड है अगर इसमें एक बार इसको विचार कर लिया तो ये पक्की बात है, मैं दावा विश्वास के साथ कहता हूँ कि बच्चों में रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। लेकिन हैबिट नहीं, वो स्किल डेवलप होगी यदि हमने उनके अंदर क्यूरियोसिटी को जगा दिया। कुछ थ्योरीज हैं साइंस ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के द्वारा
दी गई है और स्कूल खास करके जो प्री एलिमेंट्री क्लासेस के लिए और एलिमेंट्री क्लासेस, यानी कि अगर आप कहें 5 साल से 16 साल तक के बच्चों के लिए जो रिकमेंडेशन दी गई है उनमें से 4 या 5 रिकमेंडेशन जो अपने फेवरल हैं, मैं इसलिए 4-5 के होने को 40-50 है लेकिन हम लोगों के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी चीज, हम लोगों के पास इतना वर्क लोड है कि अगर हमने लाइब्रेरी को ही अगर मुख्य विषय बना लिया तो हमारा जो मुख्य विषय है वो पूछा से। तो जो 4-5 ऐसे सजेशन हैं जो आप अपने अपने विद्यालय में जाके अगर इसको इंप्लीमेंट अपनी अपनी कक्षा में करेंगे तो मैं विश्वास कर मुझे कि थोड़ा बहुत अंतर आएगा। पहली चीज तो ये कि हमारी पुस्तकालय नीति ने एक चीज बताई है कि प्रत्येक क्लास के लिए बॉक्सेस बनाए जाए जो कि जितने भी किताब दिखाई है डिस्प्ले लेवल में, यहाँ आप केंद्रीय गुना में देखेंगे कि छोटे छोटे भाव जो रिकॉग्नाइज साइज है, डॉक्टर एस एम शर्मा जी इसको पूरी तरह से अप्रूव करके गए थे, उन्होंने ये बताया कि ये इस तरह के हों कि बच्चों को वो दिखाई बहुत सी किताबें देती रहे। पहली चीज वो किताब है उससे संबंधित हम उसको कुछ ऐसे वर्ड्स दें जो उससे रिलेटेड इकट्ठी करें और उसके इधर इकट्ठा करें अलग उससे डिफरेंट उससे, तो वो वोकैबुलरी कार्ड बना के हम उसके रिकॉर्ड के रूप में भी रख लें। तो वो भी खत्म हो गया कि भाई लाइब्रेरी से हमें किताबें दी गई हमने रिकॉर्ड नहीं रखा, वो वोकैबुलरी कार्ड हो गया तो इट इज ऑल्सो रिकॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो रिकमेंडेशन रंगनाथन जी द्वारा दिया गया, कुछ ऐसी महत्व की पुस्तकें जो उन बच्चों की जनरल की हैं और कुछ व्यक्तित्व जिनमें उन व्यक्तित्व का विश्लेषण दिया, लाइक दैट विवेकानंद, मैं समझता हूँ बच्चा अभी विवेकानंद को नहीं जाने का लेकिन कुछ उससे संबंधित आज प्रत्येक बच्चा जो पहले दूसरे तीसरे क्लास में आएगा वो जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानेगा, इंदिरा गांधी के बारे में जानेगा, इसके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी बच्चे जानना शुरू कर चुके हैं क्योंकि ही इज अ फर्स्ट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें उनको बताएं, बेटा ये उनकी एक बायोग्राफी है, उनको हमने पढ़ के उसको सुनाया और उसी में से हमने 2-4 लोगों को उससे प्रश्न कर दिए, ग्रुप बना दिए, वही एक्टिविटी बेस्ड जो आपका चलता है। मैं इसको सीएमपी को पूरी तरह से नहीं जानता हूं लेकिन ये मेरा प्रयास है कि अगर मैं आप लोगों का हिस्सा बन जाऊं तो ये पक्की बात है कि सीएमपी और टीचिंग लर्निंग मेथड ये हम लोग और ज्यादा प्रभावी इसको बना सकते और अच्छे तरीके। इसके अलावा सबसे मुख्य चीज होती है, मैं समझता हूँ आज ये पूरा वर्कशॉप यहाँ हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी तरफ से 100% सपोर्ट करके आए होंगे कि मैं सबसे अच्छा वर्क करके डेफिनेटली ये जहां तक मैं समझता हूँ सभी लोग भाई मुझे स्लाइड रिप्रेजेंटेशन है मैं बना के ले जाऊंगा, चार्ट है मैं बना के ले जाऊंगा, इसके अलावा और कोई टीचिंग लर्निंग मेथड का कोई आर्टिकल है मैं बना के ले जाऊंगा। अगर हम अपने अंदर ये वाली चीज है कि छोटे बच्चे के अंदर भी उस रिकग्निशन की बात होती है कि मैं भी अच्छा काम करूंगा तो टीचर मुझे शाबाशी। अगर हमने इन सारी प्रक्रियाओं को करते हुए अगर एक रिकग्निशन का पार्ट और रख लिया कि जो भी बच्चा 2 कहानी सुनाएगा हम उसको ये रिकग्नाइज करेंगे, हम उसको इस तरह से प्रोत्साहित करेंगे, ये भी अलग बात है। हम उसको जो ओवरऑल साल भर में अच्छे लोग होते हैं उनको कुछ नहीं है, छोटी छोटी सी अगर ट्रॉफी भी दिलवा दी पुस्तकालय के नाम पे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बच्चे जब से क्लास में आएंगे तो चाहे वो आपके हमारे किसी के भी हों पूरे के पूरे केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं जिससे वो 6th क्लास में जाके लाइब्रेरी में बैठेंगे वो अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे जिस उद्देश्य के लिए आज इस तरह के वर्कशॉप सेमिनार सर्विस कोर्सेज और केंद्रीय विद्यालय की पूरी नीति में हम। इसके साथ ही मैं ये वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, नवीना शर्मा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद आपका, बहुत 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 खुशी हो रही है कि सारे कि मैं बाहर नहीं हूँ बच्चों में, ये बात आपने बताई या नहीं कि 3rd से 5th के बच्चों को हम लोग इशू कर सकते हैं। यस वो तो क्लियर है जी, लेकिन मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही निवेदन किया है, लेकिन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के बच्चे कब पढ़ेंगे जब बुक्स की वैल्यू के इसमें क्या है। हाँ जी, इसमें क्या है अगर वो उनको पता चलेगा तो उसको बड़े अच्छे से सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैडम ने लिया है
चलो ठीक है, अब कल ले लूँगा। किताबें फट जाए या खराब हो जाए उसकी चिंता नहीं करना है, और 20 से 25 रुपए तक की किताब हम इश्यू कर सकते हैं। वो घर में जाके ही अपना एक संदेश देंगे और अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे, अपने बड़े भाई बहन को सुनाएंगे, तो आप सब भी इस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा डॉक्टर अर्जुन शर्मा का संदेश है कि बच्चों को बुक्स जरूर इश्यू करें। थोड़ा सा काम बढ़ेगा, आप रजिस्टर इशू कर दीजिए क्लास टीचर्स को, उनके जो लाइब्रेरी पीरियड है उसमें वो उन बच्चों को इशू करेंगे। 8-10 दिन का समय दीजिए, 4 दिन का दीजिए, फट जाती है कन्फर्म कर दीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। तो मैम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑन बिहाफ ऑफ सर, हमने यहाँ केंद्रीय विद्यालय बुरा में सारी किताबें इशू की हुई है, और हमारे यहाँ टीचर उन बच्चों को देते हैं, बच्चे घर भी लेके जा रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ के। अभी थर्ड को अरेंजमेंट करना है, सभी के पास रजिस्टर्स हैं, और मैं समझता हूँ कि मैम हमने एक बार और ये वाली जो जानकारी दी है तो ये पूरी तरह से लागू हो गई है, और उम्मीद है कि आप प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस में जो भी और इनोवेटिव आइडियाज हो आप उनको लेके जाए, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ यू, वी आर द पार्ट ऑफ CMP, बस क्लियर ये है। And I'm going to tell you a jungle scene showing hunting and poaching.